तो बच्चों, अभी हम लोग जस्ट पीछे वाले वीडियो में देख रहे थे किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके जो अवयवी कण वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इसमें हम लोग है ना उसका नाम दिए थे सीमित पैकिंग, क्रिस्टलों की सीमित पैकिंग, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, जिसमें है ना हिंदी में उसको बोलते हैं सीमित पैकिंग को हम लोग यहाँ पे निविड संकुलन भी देखिएगा एनसीईआरटी के किताब में, उसको निविड संकुलन लिखे हुए रहता है। जैसे जब आप बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का, तो उसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर क्या मतलब बताए हैं और यहाँ बुक में क्या दिया हुआ है। इंग्लिश में क्लोज पैकिंग बोलते हैं है ना उसको हम लोग, क्लोज पैकिंग को हिंदी में सीमित पैकिंग भी कहते हैं, या बुक में अगर आप देखेंगे तो उसको निविड संकुलन लिखे हुए रहता है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो पिछले लेक्चर जो अभी आप लोग देखे उसमें हम बताए थे कि वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में उसके जो अवयवी कण हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, किस तरीके से हम सारे परमाणुओं को सजा सकते हैं, और दोनों कंडीशंस में, दोनों सिचुएशंस में हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखे कि अगर एक आयामी है, एक आयामी कहने का मतलब अगर एक ही दिशा में सारे परमाणु व्यवस्थित हैं है ना, एक ही दिशा में, चाहे वो एक से या बाई कोई भी दिशा हो सकता है, वैसे कंडीशंस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दो होता है। देख लीजिए दो के संपर्क में है तो इसको उपसह संयोजन संख्या दो कहेंगे, हिंदी में उसको उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो वन डायमेंशनल में कितना आया था, दो। टू डायमेंशनल में हमने दो तरीका देखा है ना, एक तरीका देखे थे कि बॉल के जस्ट बगल में बॉल है, देख लीजिए एकदम एक सिद्ध में, सीधे बॉल के सिद्ध में दूसरा बॉल, ये तरीका टू डायमेंशनल, एक्स में भी चल रहा है वाई में भी चल रहा है, तो टू डायमेंशनल में एक तरीका ये हुआ। टू डायमेंशनल में एक तरीका और हम आपको बताए थे, उसको जरा सा रिपीट कर देते। दूसरा तरीका क्या था कि ये दोनों जो बॉल है ना उसके बीच में जो गैप है उस गैप में बॉल को हमने अरेंज कर दिया, देख लीजिए यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं हम लोग बीच गैप में। तो जब बीच गैप में जब हम लोग बॉल का अरेंजमेंट करेंगे तो देखिए ये अरेंजमेंट बिल्कुल अलग हो गया इससे, इससे बिल्कुल अलग हो गया। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ये जो परमाणु, कोई भी एक बीच वाला परमाणु ले लीजिए, देखिए हम इसको कलर कर दिए ऐसे ऐसे, तो ये जो हमने जिसको कलर किया बताओ कितने परमाणुओं के संपर्क में है, चार, देख लीजिए एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे चार परमाणुओं के संपर्क में है। इसका मतलब इसका नाम हम दूसरा भी नाम दिए थे, इसको बोले थे द्वि आयामी वर्गाकार, वर्ग के रूप में स्क्वायर है, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्वि आयामी वर्गाकार सीमित पैकिंग। लेकिन इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जी, अब खुद बताएंगे इसमें एक परमाणु ये जिसको हमने कलर किया कितने परमाणुओं से सटा हुआ है, चार, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो गया। इसमें हम लोग ये जो अरेंजमेंट है परमाणुओं का है ना, इसमें आप कोई भी एक बीच से परमाणु आप उठाएंगे, जैसे मान लीजिए इसी को हम अगर देख लें तो बताओ ये परमाणु कितने परमाणुओं के संपर्क में है, अब खुद बता दो छः परमाणुओं के संपर्क में, देख लीजिए तो छेवों को अगर सारे छेवों का जो केंद्र है उसको अगर मिला दें तो एक हेक्सागोन बन जाता है, षष्ठकोणीय बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्वि आयामी है ना षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें बताओ जी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, सिक्स आए द्वि आयामी में, तो ऐसे करके पूछ देता है एग्जाम में कि द्वि आयामी वर्गाकार सीमित पैकिंग में उसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, चार, द्वि आयामी षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग में उसकी सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, छः। ये तो आपको है ना इजी वे में आसानी से पता चल गया। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से देखेंगे कि इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि थ्री डायमेंशनल हम बोर्ड पर बना नहीं सकते, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये माने एक परत है ना, ऐसे है, ये एक परत है, ये दूसरा परत है, ये तीसरा परत है, ऐसे आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जब तक आप इसको बढ़िया से ध्यान से नहीं देखेंगे, गौर से नहीं देखेंगे, तब आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको है ना रट्टा मारना पड़ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में देखिए, इसको हम मेन रूप से थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होता है वो क्रिस्टल का, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में कैसे डिवाइड किए हैं देखेंगे। पहला जो होता है ना, इसमें देखेंगे एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है, तीसरा परमाणु है, चौथा परमाणु है, इस तरीके से एकदम बिल्कुल जो बॉल है ना जस्ट बॉल के
सिद्ध में ही बॉल है, देख लीजिए ऐसे। अब समझेंगे आप लोग, ये हुआ एक लेयर। एक लेयर मतलब सबसे, जो मान ली कार्टून है, कार्टून में आपको बॉल माने लड्डू अरेंज करना है, सरियाना है, तो सबसे पहले नीचे डब्बा में हम लोग लड्डू सरिया लिए। अब लड्डू के जस्ट ऊपर देख लेंगे, इस लड्डू के जस्ट ऊपर में, इन्हीं की दोनों के बीच में जो गैप है उसमें, लड्डू के सीधे ऊपर में एक दूसरा लड्डू दे देना, उसके ऊपर तीसरा लड्डू दे देना, इस तरीके से दूसरा लेयर भी एकदम सेम टू सेम नीचे वाला जैसा ही बनाना है, और तीसरा भी दूसरा के जैसे, मतलब इस तरीके से ऐसा आप अरेंजमेंट करेंगे लड्डू का कि एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू, दूसरा के ऊपर तीसरा लड्डू है, एकदम बिल्कुल सीधे में। तब जो ये अरेंजमेंट हम लोग देखो 3D हो गया। अब पहले हम लोग एक्स में चल रहे थे, बाई में चल रहे थे, है ना, एक्स में बाई में, अब हम लोग जेड में भी चलेंगे। जेड कहने का मतलब है अब इसके ऊपर में भी हम लोग लेयर बिछाते जा रहे हैं ऐसे ऐसे, देख लीजिए। इसको हम 3D में नहीं दिखा सकते, तो मान लिया ऐसे समझेंगे, एक लड्डू इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके, इसके, सब इसके ऊपर में, जस्ट ऊपर में है, इधर उधर नहीं, जस्ट सबके ऊपर में एक लड्डू, एक बॉल है, देख लीजिए। तो इस तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। अभी एक्स हो गया, बाई हो गया, और अब जेड, ऐसे बढ़ाते चल जाइए, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे ऐसे करते चल जाए, तो पूरा एक जो है ना ये घन के आकार का बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, पूरा इतना लंबा चौड़ा ये पूरा एक घन के आकार का बन जाएगा ये, अगर हम लोग इसको यहाँ से देखें तो। तो हमको करना क्या है, हमको ये जो देख रहे हैं कि जो सबसे नीचे वाला जो परत था, जो लेयर था सबसे नीचे, अगर हम उसको ए टाइप मान लें, तो जो दूसर का लेयर जो बनेगा वो भी किस टाइप का होगा, ए टाइप का होगा, तीसर का भी होगा ए टाइप का, इसलिए 3D इसको ए ए ए टाइप भी हम लोग बोलते हैं, ए ए ए टाइप, 3D में याद रखना है ना। ये घन के आकार का है, बिल्कुल घनाकार हो जाएगा, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको पूछ दे कि समन्वय संख्या कितना है, तो आप एज्यूम कीजिए, है ना, आप बिल्कुल एक मन में सोचिए कि ये जो हम लोग बॉल जो देख रहे हैं, ये बीच में जो रखे हैं, बताओ कितने बॉल के संपर्क में आएगा, एकदम बिल्कुल बॉल के ऊपर बॉल है, तो ये तो एक ई बॉल के संपर्क में आएगा, बड़ा सा बॉल ले लेंगे तो, दूसरा इस बॉल के संपर्क में, जैसे देख लीजिए नीचे वाला जो है उसी तरह से ऊपर वाला होगा, तो तीसरा इसके संपर्क में आएगा, चौथा इसके संपर्क में आएगा, तो चार को तो अपने आस पास वाला के हो गया संपर्क में, एक बॉल जिससे देखिए नीचे सटा हुआ है, एक बॉल जस्ट इसके ऊपर रहेगा, तो चार गो हो गया साइड में, एक नीचे में, एक इसके ऊपर में, मतलब चार गो अगल बगल में रहेगा, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, एक नीचे और एक इसके ऊपर, मतलब छह बॉल इसके कांटेक्ट में रहेगा। नहीं तो आप बॉल को अरेंज करके भी देख सकते हैं, है ना, आप खुद से इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बना बॉल को चिपका करके गोंद से देख सकते हैं, बॉल के ऊपर जस्ट बॉल हम सरियाते चले गए तो देखेंगे कि जो बीच वाला बॉल हो कितने बॉल से सट रहा है, तो देखेंगे कि छह बॉल से सट रहा है इस कंडीशंस में। इसलिए ऐसे कंडीशंस में है ना इसकी समन्वय संख्या यानी कि उपसंयोजन संख्या जो होती है वो कितनी होती है, छह, है ना, यही सरल इकाई सेल है जिसको हम लोग सरल इकाई सेल भी बोलते हैं, क्योंकि सरल इकाई सेल में सब परमाणु कहाँ पर रहता है, कोना पर, बीच में तो रहता नहीं है, तो सब तो कॉर्नरे पर रहेगा, देख लीजिए, तो सब जब कॉर्नरे पर रहेगा, चार गो या चार गो इसके ऊपर में, तो बताओ कोई भी पूछ देगा कि सरल इकाई सेल में परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है, छः, याद रखना है, उसको हम ऐसे लिखवा देंगे अलग से, है ना, सरल इकाई, सरल घनाकार इकाई सेल में। तो चलिए ये तो हो गया ए ए ए टाइप 3D में, पहला पार्ट ये हुआ। 3D में दूसरा पार्ट जो है, तो भाई ये तो घनाकार था, दूसरा पार्ट जो है हम आपको बताए थे कि बॉल के जस्ट ऊपर बॉल नहीं रखना है, है ना, बॉल के जस्ट ऊपर बॉल नहीं रखना है, बल्कि सॉरी जो दो बॉल के बीच में जो गैप है ना उसके बीच में हम लोग को बॉल रखना है, इस तरीके से। आप इसको जरा सा बढ़िया से समझेंगे। अब देखिए जी, ये जो तीन जो बॉल देख रहे हैं है ना, यहाँ पे जो खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे बॉल रखना है, ये जो तीन बॉल देख रहे हैं 1 2 3 इसके बीच में यहाँ पे बॉल रख दीजिए, उसके बाद सब बिल्कुल एकदम सटा सटा होना चाहिए। अब ये तीनों 1 2 3 इसके बीच में जो गैप देख रहे हैं यहाँ पे बॉल होना चाहिए, ये तीनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे बॉल होना चाहिए, ये तीनों के बीच में जो यहाँ पे, तो मेरे कहने का मतलब है कि एक लेयर में सारे बॉल को इस तरीके से सरिया दीजिए,
और जो दूसरा लेयर है जो हम लोग बनाएंगे वो कहाँ पे बॉल को रखेंगे, मतलब लड्डू को रखेंगे, ये जो तीन तीन गो को जब सरियाएगा तीन गो गेंद को तो बीच में गड्ढा जैसा बन जाए उसके ऊपर में अरेंज कर देना ये। उसके बाद तो एक लेयर तो हो गया, दूसरा लेयर हो गया ये जो उसके बीच बीच में गैप है। तीसरा लेयर जब बनाएंगे तो उसके बाद जो तीसरा लेयर आएगा ना वो पहले लेयर के बिल्कुल जैसा हो जाएगा। तो सबसे नीचे वाला जो लेयर है उसको हमने बोला ए टाइप, लेकिन जो गैप में जो देख रहे हैं सब है ना ये सब जो परमाणु है इसको बोलते हैं हम लोग बी टाइप। कौन टाइप? बी टाइप। फिर तीसरा लेयर आएगा ए टाइप, इसलिए इसको बोलते हैं ए बी, ए बी टाइप। और ए बी, ए बी टाइप, बताओ जी यहाँ पे, यहाँ जो ए बी टाइप जो देख रहे हैं बताओ क्या ये घन के आकार का है या हेक्सागोन के फॉर्म में? यहाँ षष्ठकोणीय के फॉर्म में है, देख लीजिए षष्ठकोणीय के रूप में बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं है ना हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में, 2D में नहीं 3D में। फिर से एक बार समझा दें इसको कैसे जूम करना है। समझ लीजिए कि पूरा एक लेयर में जो बॉल है वो इस तरीके से हम सरिया दिए सबसे नीचे में। दूसरा लेयर जो हम लोग अरेंज करने जाएंगे तो जहाँ जहाँ गैप जैसा हमको मिलेगा, ये तीनों के बीच में जो गैप मिलेगा उसमें हम लोग बॉल कैसे रख देंगे है ना। तो यहाँ पे दिखाएंगे तो ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन मान लिया हम दिखा देते ऐसे, ये देख लीजिए। फिर ये तीनों के बीच में जो बॉल है ना यहाँ पे ऐसे हो जाए, फिर ये तीनों के बीच में यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो तीन लेयर, उसके बाद जब हम लोग अगला जो लेयर बनाएंगे है ना, देख लीजिए इस तरीके से, बताइए जी सबसे नीचे वाला लेयर और ये वाला जो ऊपर जिसको हमने कलर किया है, क्या वो ऊपर वाला लेयर क्या नीचे वाला लेयर के जैसा है? नहीं है। तो नीचे वाला लेयर अलग है, बीच वाला लेयर अलग है, उसके बाद जो अगला लेयर बनाएंगे अगर वो इसी के जैसा है, नीचे वाला के जही जैसा है ना थर्ड लेयर, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या ए बी, ए बी, ए बी टाइप, ए बी इस तरीके से चलता जा रहा है। और वो जो अरेंजमेंट जो निकल के आएगा परमाणु का क्रिस्टल के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं क्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में बोलते हैं HCP, याद रखना है। क्या बोलेंगे उसको शॉर्ट में? HCP, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में आता रहता है और इससे भी क्वेश्चन आता है। तो NaCl का संरचना बिल्कुल इसी के जैसा होता है, ये हो गया HCP है ना। और इसमें एक और जो है ना उसमें क्या देखना है आपको, जैसे फिर से देख लीजिए ये हो गया हेक्सागोनल टाइप कहीं है, एक दोनों परमाणु के जो बीच में गैप है ने सारे गैप में परमाणु लगा दिए, देख लीजिए। दूसरा जो परमाणु है उसको हम लगा दें यहाँ पे, देखिए यहाँ ये सब जो गैप है ना उसमें, मतलब ऐसे उसको दिखा सकते हैं। दूसरा लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, नहीं इस तरीके से हमारा दूसरा लेयर बन गया यहाँ पे। अब जो तीसरा लेयर बनाना है ना वो ये देखिए, ये जो दोनों के बीच में जो गैप है ना यहाँ पे परमाणु रखना है, ये जो गैप है ना यहाँ पे परमाणु रखना है, ये जो गैप है ना मतलब तीसरा लेयर, तीन लड्डू देख रहे हैं ऊपर में, उसके बीच में जो गड्ढा है, पहले तो एक लेयर में जो गड्ढा था उसको हमने भर दिया, अब जो ऊपर रखे तो वो है ना वो जो हम लोग तीनों जो लड्डू को सरियाए हैं तीनों के बीच में भी गैप है, इसके ऊपर में भी हम लोग परमाणु को रख देंगे या लड्डू को रख देंगे। तो तीसरा लेयर सबसे अलग हो जाएगा, देखिए इसका केंद्र किसी से मिल रहा है नहीं, यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, तो ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया, इसलिए हौच पौच होगा तीन में पता नहीं चले, इसलिए बोले कि एज्यूम कीजिए सबसे पहला लेयर कैसे बैठाना है, उसके बाद जहाँ जहाँ गैप है उस पर दूसरा लेयर देना है, उसमें जो गैप बनेगा उस पर तीसरा लेयर देना है, यानी यहाँ जो सबसे नीचे वाले लेयर को अगर हम ए टाइप माने तो जो दूसरा लेयर दिए हैं वो बी टाइप का बन जाएगा, वो ऐसे बिल्कुल अलग होगा, और तीसरा जो लेयर है वो सी टाइप का बन जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ए बी सी टाइप। और जो ए बी सी टाइप जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखना है FCC, या इसी को हम लोग बोलते हैं CCP, यानी FCC और CCP दोनों एक ही होता है जो,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है इन तीनों में है ना, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होता है परमाणुओं का किसी क्रिस्टल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ही एज्यूम करने वाला चीज़ है। या मान ली नहीं समझ में आता है तो एनसीईआरटी का जो बुक दिया उसमें देखेंगे सारा का फिगर बनाया हुआ है, और उस फिगर को बढ़िया से अगर गौर से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि थ्री डायमेंशनल में हम लोग बॉल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर अरेंजमेंट कितने तरीके का होता है परमाणुओं का। एक तो बड़ा आसान है, ये तो आपको इजी वे में पता चल जाएगा कि खाली जो बॉल है ना, नीचे में बॉल रख दिए, बॉल के ऊपर बॉल रख दिए, बॉल के ऊपर बॉल, मतलब बीच में गैप नहीं, बॉले पर सीधे बॉल रख देना, तो ये पूरा जो है ना ये बन जाएगा क्यूबिकल टाइप का, घनाकार टाइप का बन जाएगा। और इसमें समन्वय संख्या बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि देखिए एक बॉल जो है ना छः बॉल से कैसे सटा हुआ है ना। यहाँ पे ऐसे भी देख रहे हैं, ये माली बॉल है, अगर बड़ा वाला ही ले लीजिए तो देखिए एक दो तीन चार बॉल से सटल है, इसके ऊपर में देखिए जो हमने छोटा है वो पाँच है, वो नीचे में होगा छः, तो इसमें तो समन्वय संख्या पता चल गया इजी वे में। लेकिन ये जो देख रहे हैं एचसीपी, याद रखना एचसीपी किसको बोलेंगे, जिसमें हेक्सागोन के रूप में माने षष्ठकोणीय के रूप में सबसे पहले नीचे बॉल रखा हुआ है, उसके जस्ट दूसरा लेयर जो है ना जहाँ जहाँ गैप है, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, अभी तो वॉइड्स पढ़ाए नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दें जहाँ जहाँ जो गैप है ना ये सब गैप, इसको हम लोग बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए तीन परमाणु जो है ना उसके बीच में जो गैप है ना उसके अंदर जो खाली स्थान है उसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो जहाँ जहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियाँ है ना वहाँ पे अगर बॉल को रख देते हैं तब जो जो अरेंजमेंट बनता है परमाणुओं का उसको बोलते हैं एचसीपी। तो एचसीपी का मतलब हो गया ए बी टाइप, याद रखना है। और सीसीपी का मतलब हो गया नीचे वाला लेयर कुछ और है, उसके बाद दूसरा लेयर अलग टाइप का, उसके बाद तीसरा लेयर भी अलग टाइप, उसके बाद अगर आप देंगे परमाणुओं को तब फिर पहला के जैसा वो अरेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से परमाणुओं का यहाँ भी तीन लेयर है ना, और ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेयर है, इसलिए उसको हम लोग सीसीपी या उसी का दूसरा नाम एफसीसी भी होता है। अब ये दोनों में याद क्या रखना है ना, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए इसमें तो सबसे पहले क्या किए थे, सबसे नीचे वाला जो लेयर था देखिए कैसे रखे थे, इसमें एक हम समझा देते हैं, ये सबसे नीचे वाला लेयर हो गया, ये सबसे नीचे वाला लेयर हो गया है ना। अब क्या देख रहे हैं कि सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो तीनों के बीच में जो गैप है वहां पर हमने एक परमाणु रख दिया, ये तीनों के बीच में जो गैप है वहां पर हमने एक परमाणु रख दिया, फिर ये तीनों के बीच में जो गैप है वहाँ पे हमने एक परमाणु रख दिया, फिर ये तीनों के बीच में जो गैप है वहाँ पे हमने एक परमाणु रख दिया। देख लीजिए एक परमाणु यहाँ पर रख दिया, ये दूसरा लेयर हो गया, देख लीजिए ये दूसरा लेयर है जिसको हमने कलर कर दिया। अब जब दूसरा लेयर रखे हैं देखिए तीन परमाणु तो पहले से था, एक दो है ना तीन, और तीन को परमाणु जो हमने रखा है यहाँ पर देखिए फिर रखा एक दो तीन, अब ये तीन और नीचे वाला तीन ये तीनों के बीच में जो गैप जो बच जाएगा है ना, एक दो तीन और ये हो एक दो तीन, उसके बाद भी जो है ना बीच में देखिए गैप बच गया, उसको बोलते हैं अष्टफलकीय, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्तियां। तो इसमें अष्टफलकीय रिक्तियों पर परमाणु को नहीं रखना है एचसीपी में, एचसीपी में जितने भी परमाणु हैं वो सब चतुष्फलकीय रिक्तियों पर है दूसरा लेयर वाला। लेकिन इसमें तो दूसरा लेयर वाला चतुष्फलकीय रिक्तियां पर है, लेकिन जो तीसरा लेयर वाला है वो देखिए अष्टफलकीय रिक्तियां पर भी रखा हुआ, देख लीजिए जहां जहां अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जहां जहां बन रहा है ना वहां पर रखा हुआ है, यानी कि सीसीपी में चतुष्फलकीय के अलावा अष्टफलकीय रिक्तियों पर भी जो है ना वॉइड्स ये परमाणु उपस्थित रहता है। तो इसमें दो लेयर ए बी ए बी ए बी टाइप चलेगा, इसमें ए बी सी टाइप चलेगा। तो जिसमें अगर पूछ दिया कि ए बी सी टाइप अगर थ्री डायमेंशनल में है परमाणुओं का व्यवस्था तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सीसीपी नहीं तो एफसीसी। अगर थ्री डायमेंशनल में है ना ए बी टाइप का अगर परमाणुओं की व्यवस्था है तो उसका नाम क्या होगा, एचसीपी, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। और थ्री डायमेंशनल में अगर परमाणु के ऊपर में जस्ट सीधे सीधे परमाणु अगर रखा हुआ है तब उसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप, या इसको हम लोग है ना सिंपल है ना जिसको हम लोग सरल थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं, सरल थ्री डायमेंशनल।
तो इसमें तो आपको पता चल गया कि भाई समन्वय संख्या 6 होती है, लेकिन ये आपको बता दें HCP हो या FCC हो या CCP हो, इन सभी में अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रत्येक परमाणु लगभग 12 परमाणुओं के संपर्क में रहता है। इसलिए इस इन जितने भी केस हम लोग देख रहे हैं HCP, CCP और FCC, इन सब में इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये आप फिगर जब देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है, 12, याद रखना है आपको, ठीक है। तो समन्वय संख्या 12 हो गया। तो ये चीज़ आप लोग देख रहे थे कि भाई 3D में, मतलब 3D में उसके क्रिस्टल के परमाणु, उसके जो अभी कण वो किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। तो 1D समझ में आ गया, 1D, 2D समझ में आ गया, 3D समझ में आ गया। तो आपको शॉर्ट में बता दें, है ना, ये आप एक बार देख लेंगे पूरा। इसके बाद हम आपको बताते हैं समन्वय संख्या का, है ना, शॉर्टकट में कि भाई कैसे हम लोग सबका समन्वय संख्या याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है, अगर सरल इकाई सेल है, कौन इकाई सेल? सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल में परमाणु सब कहाँ पे होता है? आपको बताए थे सरल घनाकार इकाई सेल में उसके सभी परमाणु, सरल घनाकार इकाई सेल बोलेंगे उसको, सरल घनाकार इकाई सेल, सरल घनाकार इकाई सेल में उसके सभी परमाणु सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोना पर, सिर्फ जालक बिंदु पर, देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जालक बिंदु पर उपस्थित रहते हैं, देख लीजिए, इस जहाँ जहाँ कोना है ना सब जगह का वो परमाणु उपस्थित रहेगा। तो जब सब जगह का वो परमाणु उपस्थित रहेगा, आप खुद देख लीजिए, 4 परमाणु ऐसे है, 4 इसके जस्ट ऊपर में है, तो एक परमाणु जब देखेंगे ना तो एक परमाणु जो होगा, आप एज्यूम करके देख लीजिए, अभी जस्ट फिगर बताए थे यहाँ, एक परमाणु 6 परमाणुओं के संपर्क में होता है, इसलिए सरल इकाई सेल में इसकी समन्वय संख्या 6 होती, याद रखना, समन्वय संख्या 6, है ना। BCC पढ़ाए थे आप लोगों को, जिसमें परमाणु सब कोना पर भी रहेगा, एगो बीच केंद्र में भी रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच में, तो जो बीच वाला होता है ना वो 8 कोना से सटल रहता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। बीच वाला जो होता है कार्टून के जो बीच में वाली बॉल है, और सब कोना के संपर्क में, इसका मतलब 8 से सटा हुआ है, तो जो 8 से सटा हुआ है उसकी समन्वय संख्या 8 हो गई। FCC अभी देखे आप लोग यहाँ पे जो बताए थे, FCC में समन्वय संख्या कितना होता बताओ? 12 होती है, है ना। CCP किसको बोलते हैं? दोनों एक ही चीज़ है जी। CCP अगर पूछ देगा उसमें भी समन्वय संख्या 12 होती है, या HCP अभी जैसे देखे तो इसमें भी समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो अगर समन्वय संख्या, उप सहसंयोजन संख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इस तरीके से याद रखें, सरल इकाई सेल में समन्वय संख्या 6, है ना, बॉडी सेंटर्ड में 8, FCC में 12, CCP में 12 और HCP में 12 होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को समन्वय संख्या याद कर लेना है, यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, यहां पर लिख रहे हैं परमाणु की त्रिज्या तथा घनाकार इकाई सेल की भुजा में संबंध, परमाणु की त्रिज्या तथा घनाकार इकाई सेल की भुजा में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड साइड ऑफ एनी क्यूबिकल यूनिट सेल। जैसे मान लिया, आप समझेंगे जरा सा बात को, मान लिया हमको एक इकाई सेल मान रहे हैं घन के आकार का है, है ना, मान लिया इकाई सेल किस आकार का है? घन के आकार का है, समझिएगा जरा सा बात को। ये भी यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भाई सब में रिलेशन क्या है, ये कोई घनाकार इकाई सेल है, है ना, तो हम जानते हैं कि जब घनाकार इकाई सेल है तो उसके अंदर बहुत सारा परमाणु रहेगा, कोना पर रहेगा, बीच पे केंद्र में रहेगा, सतह पर रहेगा, अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट में अलग अलग तरह से परमाणु व्यवस्थित रहेगा। तो मान लिया यहाँ पे जो परमाणु किसको कह रहा है? परमाणु कह रहा है यहाँ जो ये गोला जो हम लोग देखते हैं, इसको बोला जा रहा है परमाणु, ये इसको कहा जा रहा है परमाणु।
बजाओ जी, परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार। तो मान ली इसकी त्रिज्या कितना है? आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, माना कि परमाणु की त्रिज्या आर तथा घनाकार इकाई सेल, है ना, घनाकार इकाई सेल, ये घन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, की भुजा, बताओ इसको भुजा कितना मान लेते हैं? ए है। परमाणु की त्रिज्या आर मान लिए और जो घन का भुजा है उसको कितना मान लिए? ए। तो हमको दिखाना है ए और आर में क्या संबंध है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसमें, सरल इकाई सेल में। चलिए खुद बताएंगे आप लोग, सरल इकाई सेल में सारे परमाणु कहाँ पे होते हैं? आपको पहले से भी पता है और हम कई बार इसको बार बार बोल रहे हैं, सरल इकाई सेल में सभी परमाणु सिर्फ और सिर्फ कोना पे होते हैं। कोना पे, कहीं पे भी कोना पे ले सकते हैं। मान लिए एक परमाणु यहाँ पे ले लिए, है ना, छोटा सा फिगर बना देते हैं यहाँ पे देखिए, सरल इकाई सेल में उसके सभी परमाणु सिर्फ और सिर्फ कोना पर उपस्थित रहता है, सिर्फ और सिर्फ कोना पर। कोई भी कोना दो को ले लीजिए, यानी यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान ली एक कोना इस कोना पर है, ऐसे करके दिखा दिए, ये हो गया एक परमाणु इस कोना पर, एक कोना पर यहाँ पे, ये हो गया दूसरा कोना। अब खुद बताएंगे, अगर ये परमाणु है, परमाणु का आकार गोलाकार होगा और गोला की त्रिज्या कितना है? आर। ये भी गोलाकार है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है बताओ? आर। अब बताओ जी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? घन की भुजा है। क्या है? घन की भुजा। और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होता है बताओ? ए, है ना, ये हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया और इतना दूर आर हो गया, इतना दूर आर हो गया। तो आप खुद बताएंगे ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो? आर प्लस आर लिख सकते कि नहीं? आर में आर जोड़ देंगे तो पूरा ए के बराबर हो जाएगा, यानी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2R, या आर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बाई टू। ये हो गया सरल इकाई सेल में आर बराबर फार्मूला होता है ए बाई टू, याद रखने इसको ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखें सरल इकाई सेल में, है ना, फार्मूला हो गया आर बराबर ए बाई टू। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, देख लीजिए, सरल घनाकार इकाई सेल में उसके सभी परमाणु सिर्फ केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए उसकी भुजा और उसके त्रिज्या में जो संबंध होता है आर बराबर ए बाई टू होता है। कैसे हुआ एक बार देख लीजिए इसको, है ना, पॉज करके। दूसरा है, ये तो हो गया सरल इकाई सेल में, दूसरा है बीसीसी में, दूसरा हम लोग किस में देखेंगे? बीसीसी में। तो चलिए पहले बताइए बीसीसी में परमाणु सब कहाँ रहता है? बीसीसी में सारा परमाणु केंद्र पर रहता है, सारे परमाणु जालक बिंदु के अलावे केंद्र पर भी रहता है। तो जालक बिंदु पर तो रहवे करेगा, एगो बिल्कुल बीचे बीच केंद्र में रहेगा, देखिए उसका फिगर बना रहे, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, ये देखिए, ये हमने घन बनाया है, एक परमाणु यहाँ पे ले रहे हैं, ये नहीं, सबसे देखिए आगे वाला फेस है, आगे वाला फेस का जो कॉर्नर है ना वहाँ पे ले रहे हैं, एक यहाँ पे ले लेंगे बीच में और यहाँ पे ले लेंगे पीछे वाला फेस, एक आगे वाला, ये बीचों बीच में वो यहाँ पे ले लेते हैं परमाणु, तो सबको ऐसा करके, चलिए एक परमाणु हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा परमाणु जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और तीसरा बिल्कुल बीचों बीच पिंड के केंद्र में। अब खुद बताएंगे ये जो हम यहाँ से ऐसे करके अगर मिला दें सबको, तो आपको नहीं लग रहा है ये घन का भी कर्ण है? अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी ये परमाणु है तो इसकी त्रिज्या आर होगी, यहाँ से यहाँ तक आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, लेकिन ये है घन का विकर्ण, इसको अगर हम ए मान ले और ये बी मान ले, तो ए बी क्या है बताओ? घन का विकर्ण है। और आपको मालूम है घन का विकर्ण दो तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं, घन का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? √3 इंटू भुजा, साइड होता है, घन का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है
रूट थ्री इंटू भुजा, भुजा की लंबाई। तो ए बी पहले बताओ, ए बी कितना हुआ, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, है ना, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, इधर हो गया रूट थ्री इंटू, बताओ जी भुजा कितना है, घन के भुजा का लंबाई हम कितना माने हैं, ए, ये हो गया, जब चारों को जोड़ेंगे तो ये हो गया फोर आर बराबर रूट थ्री ए, या ना आर बराबर हो गया, बोलिए चार चल जाएगा नीचे, रूट थ्री ए बाई फोर, तो इसको याद रखना है ना। ये हो गया बी सी सी में, तो बी सी सी में है ना जो संबंध होता है त्रिज्या और भुजा में, याद रखना आर बराबर होता है रूट थ्री ए बाई फोर। अब एक इसमें और बच गया लास्ट है, वो है एफ सी सी, इसको देख लेंगे जरा सा, है ना, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बी सी सी में हो गया। नेक्स्ट बच गया एफ सी सी, चलिए एफ सी सी को भी हम इसमें कंप्लीट कर देते हैं, बताओ एफ सी सी थर्ड है एफ सी सी, चलो बताएंगे एफ सी सी में परमाणु सब कहाँ कहाँ पे होता है ना, एफ सी सी में उसके सारे परमाणु कहाँ पे होते हैं, इसको बढ़िया से देखना है, जरा सा भी मिस करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा, जहाँ डाउट होवे वहाँ पूछ लीजिएगा। एफ सी सी फलक केंद्रित इकाई सेल, है ना, फलक केंद्रित इकाई सेल, नाम ही है फलक केंद्रित, मतलब फलक पर रहेगा, सतह पर रहेगा। तो चलिए इसका भी एक फिगर बना लिया जाए और देख लिया जाए संबंध कैसे निकलेगा, फलक केंद्रित इकाई से, फलक केंद्रित इकाई से, ये घन हो गया, मान लिया एक परमाणु यहाँ पे है, एक परमाणु यहाँ, सब अगले सतह पर ही लेंगे, ठीक है, अगले सतह की बात करें, पीछे वाला सतह हम लोग नहीं देखेंगे। तो एक परमाणु मान ले यहाँ पे हो गया, ठीक है, इतना बड़ा ले लेते हैं, दूसरा परमाणु मान ले यहाँ पे हो गया, ये अगला कॉर्नर पर हो गया, और तीसरा देख रहे हैं ना, ये सूर्य, ये देखिए ये जो स्क्वायर वर्ग जो देख रहे हैं इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक तीसरा परमाणु मान लें, ये तीसरा परमाणु बिल्कुल सतह के बीच में, देखिए ये अगला सतह हुआ उसके बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, ये जो सतह देख रहे हैं उसके बिल्कुल बीचों बीच में है, इसलिए इसको फलक केंद्रित बोलते हैं। तो ये हो गया कोना पर, ये भी हो गया कोना पर, एक हो गया सतह पर, अब सब को ऐसे करके मिला दीजिए, देख, तो क्या आप बता सकते हैं अगर ये ए है, अगर ये बी है, ए सी, ए बी सी तो पूरा एक प्लेन हो गया, तो प्लेन कहने का मतलब ये क्या है, वर्ग ना है जी, पीछे वाला तो हम लिए नहीं है, ये तो पूरा एक वर्ग हो गया, देख लीजिए ये वर्ग है, तो बताओ वर्ग का विकर्ण फार्मूला क्या होता है, पहले ही बताओ, इतना दूर हो गया आर, ये भी हो गया आर, ये भी हो गया आर, ये भी हो गया आर, तो हमको यहाँ से ए सी, ए सी क्या है, वर्ग का विकर्ण है ना, ए सी क्या है, पिछले बार घन का विकर्ण था, क्योंकि यहाँ से सीधे पीछे गया था, इस बार अगला सतह पर है, तो एसी क्या है, वर्ग का विकर्ण, बताओ वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट दो गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट दो गुने भुजा, भुजा रूट दो गुने भुजा, और एसी है कितना यहाँ से यहाँ तक बताओ, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर बराबर रूट दो गुने भुजा का लंबाई कितना है, बताओ ए, ए हो गया घन का भुजा ए, इन सबको जोड़ेंगे हो गया फोर आर बराबर रूट टू ए, या आर बराबर हो गया रूट टू ए बाई फोर, चलिए हो गया फलक केंद्रित इकाई सेल में उसकी भुजा की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध। अब तीनों को एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, सरल इकाई सेल में आर बराबर होता है ए बाई टू, ये हो गया सरल इकाई सेल में, बी सी सी में होता है आर बराबर रूट थ्री ए बाई फोर, और एफ सी सी में होता है, देखिए अभी निकल गया आर बराबर रूट टू ए बाई फोर। तो इस तरीके से हम लोग, चाहे वो सरल इकाई सेल में पूछ दें, बी सी सी में पूछ दें, एफ सी सी में पूछ दें, सब में हम लोग उसकी त्रिज्या में संबंध और उसके भुजा में, है ना, त्रिज्या और उसके भुजा में संबंध आसानी से बता सकते हैं। ये पूरे को वीडियो को एक बार हम, है ना, नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले जो बताए क्लोज पैकिंग 3D वाला वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट एकदम ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि बी सी सी, है ना, पिंड केंद्रित इकाई सेल में उसकी भुजा और त्रिज्या में क्या संबंध होते हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल में उसकी भुजा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो ये दोनों के लिए काफ़ी, और न्यूमेरिकल भी इससे बन जाएगा आपको, अगर समझ में आ जाएगा आसानी से, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सारी चीज़ों को एक बार, है ना, देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ऐसे तो आपको नोट्स भेज ही रहे हैं,
है ना, तो उससे भी अगर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से बिल्कुल समझ लेना है ना। अगर फिगर से समझना होगा तो फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक से भी फिगर देख करके और इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी डाउट हो क्लियर पूछे कि हाँ सर हमको नहीं समझ में, हम फिर से इसको है ना समझा देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं उसमें आप लोगों को बताएंगे कि जब हम लोग किसी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं को जब सजाते हैं, है ना, जब किसी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं को जब हम लोग अरेंज करते हैं, सजाते हैं, तो उसका कितना जगह भर जाता है और के परसेंट जगह खाली रह जाता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।